This conference will now be recorded. नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित नेशनल लेवल तद्विद्य संभाषा ऑन हृदय इस परिसंवाद में आप सभी का सहर्ष स्वागत। आपका स्वागत करने में वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल अतीव आनंद महसूस कर रहे हैं। पंचकर्मा महर्षि त्रयम् गोप्ते पुरस्कृत चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा का आज 236वां पुष्प हम सादर कर रहे हैं। आदरणीय गुरुवर्य वैद्यराज प्रशांत सुरु महोदय, आपका भी इस समारोह में सविनय सहृदय स्वागत। आज के पुष्प का आरंभ दीप प्रज्वलन और धन्वंतरि स्तवन से करेंगे। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदान्नमः वरदां शारदान्नमः। निखिल गगन
धन्यवाद। छठे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का अवसर प्राप्त कर परम आयुर्वेद ने नेशनल लेवल संभाषा ऑन हृदय इस परिसंवाद का आयोजन किया है। इसमें पूरे अक्टूबर मास में प्रति गुरुवार ज्येष्ठ अनुभवी वैद्यों द्वारा हृदय पर चर्चा शुरू हो गई है। आज इस परिसंवाद का तीसरा पुष्प गुरुवर्य वैद्यराज प्रशांत सुरुजी संपन्न करने वाले हैं। सुपरिचित होने के बावजूद भी गुरुवर्य जी का परिचय करने हेतु मैं वैद्य महबूब पटेल जी से अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पूज्या हरिका मैडम। नमो नमः। मैं वैद्य महबूब पटेल परम आयुर्वेद आयोजित इस उपक्रम में आप सभी वैद्यगणों का स्वागत करता हूँ। आज मैं ऐसे हस्ती का परिचय करने जा रहा हूँ जिनकी परिचय की जरूरत ही नहीं है, परंतु सभा का संकेत हेतु मैं कुछ निम्न पंक्तियों में उनकी परिचय करने जा रहा हूँ। वैद्य प्रशांत आनंद स्वरूप नाम ही काफी है। जहां पर पांच भौतिक का विषय आता है तो वहां सबसे पहले दातार शास्त्री जी के साथ उनके शिष्य गणों का उल्लेख होता है, तो उसमें सर का परिचय आता ही है। अगर ऐसे कहा जाए कि दातार शास्त्री जी एक ग्रंथ है तो मैं कहूंगा उसके टीकाकारों में वैद्य प्रशांत स्वरूप का नाम हमेशा आता रहेगा। सर ने अपना स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर अध्ययन तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे इस नामांकित संस्था से पूर्ण किया है। स्नातकोत्तर शिक्षण चालक्य तंत्र जैसे सर्जिकल विषय में पूर्ण करने पर भी आपने पंचभौतिक चिकित्सा और इसके सिद्धांत चिकित्सा इसमें रुचि रखते हुए शमन चिकित्सा पर ही जोर देकर रुग्णों की सेवा की है, जिसे आज लगभग 34 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इससे आयुर्वेद पंचभौतिक चिकित्सा और महोदय आपका महत्व अधोरेखित होता है। व्यावसायिक अनुभव की बात करें तो आज 1987 से लेकर आज तक आपकी सेवा अविरत रही है। इनमें मुंबई, पुणे और सांगली जैसे शहरों में आपने सेवा अविरत रखी है। इसके अतिरिक्त महोदय आपने आयुर्वेद तथा पंचभौतिक चिकित्सा का परचम विदेशों में भी लहराया है, जैसे यूरोप देश इटली, यूएई, दुबई, केनिया, अमेरिका और मॉरिशस इत्यादि देशों में आपने सेवाएं दी है। शैक्षणिक तौर पर मार्गदर्शक के तौर पर आपने विद्यावाचस्पति के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया है। प्राध्यापक के तौर पर तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे में अध्ययन का कार्य अपने स्नातकोत्तर स्नातक पूर्व विद्यार्थियों को किया है, जिसे लगभग 31 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। विदेशों में भी आपने अध्यापन का कार्य विशेष रूप से किया है। प्राध्यापक के रूप में आपने महोदय आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया, केरला आयुर्वेद अकेडमी, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेद पुणे यहाँ पर अध्ययन का काम किया है। सामाजिक कार्य का अगर उल्लेख किया जाए तो समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व दिखाते हुए महोदय आपने अनेक सामाजिक उपक्रम में आपकी कार्यक्षमता दिखाई है, जैसे महाराष्ट्र के संत परंपरा के श्रेष्ठ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के प्रमुख के रूप में आपका कार्य अद्भुत रहा है, सराहनीय रहा है। आज तक अपने अनेक नामांकित संस्था में संचालक के रूप में काम किया है, जिसमें भूतपूर्व प्रधान संचालक श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान आलंदी, संचालक भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट वाघोली, संचालक के तौर पर श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर इंदापुर पुणे, वैद्यराज दातार शास्त्री संशोधन केंद्र व चिकित्सालय सांगली यहाँ पर आपने संचालक के स्वरूप में कार्य किया है और करते रहे हैं। प्रकाशन के इसमें रसशास्त्र विषय पर इटली में अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद में इटालियन भाषा में
इटालियन भाषा में आपका प्रबंध प्रकाशित हुआ है। देश विदेश में प्रकाशित हुई कई मासिकों साप्ताहिकों में शास्त्रीय आधार पर शोध प्रबंध आपने प्रकाशित हुए हैं। तीन किताबें आपने प्रकाशित की है जिनमें मुक्ताई, एक मुक्त आविष्कार, इंद्रधनु, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमासा, इन किताबों का उल्लेख है। इसी कार्य को सराहते हुए महोदय आपको पंचभौतिक चिकित्सा रत्न पुरस्कार 2 सितंबर 2018 को प्राप्त हुआ, जो कैलाशवासी वैद्य सुधाकर हलदवनेकर जी और श्रीमती हलदवनेकर जी इनके स्मृति स्वरूप दिया जाता है, जो आपको आपके आप और आपकी धर्मपत्नी सो प्रफुल्लता स्वरूप इनको मिला है। आयुर्वेद भूषण पुरस्कार आपको 2008 में यूरोपियन आयुर्वेद एकेडमी द्वारा दिया गया है। आयुर्वेद भूषण पुरस्कार 2014 10 मई को सांडू फार्मेसी द्वारा आपको प्रदान किया हुआ है। कार्यभूषण पुरस्कार 2011 में आपकी मातृ संस्था जहां से अपने अध्ययन किया तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा 25 इयर्स अविरत सेवा के लिए आपको प्रदान किया गया है। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज के व्याख्यान का आरंभ करें और हमें मंत्रमुग्ध करें। धन्यवाद। Can you listen me? Hello. Yes, sir. Can you see the slides now? Yes, sir. That's fine. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. विथ प्रेयर्स, सबसे पहले मैं आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आई मस्ट थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर देयर ग्रेट जॉब डन फॉर आयुर्वेद एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट I thank them once and everybody. Mama Rudai Sadguru, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. It is rightly said by Sant Jnaneshwar Maharaj, Ata Rudaya He Apule, Chaufaluniya Bhale, Vari Baisavu Paule, Shri Sadgurunchi. I am mentioning all these things. Hardik dhanyavad. Tahadil se shukriya. Thanks from bottom of my heart. It indicates the importance of Hruday, heart. Jo sattva, raja, tama, oj, pran, mana, buddhi, indriya, chitta. Ek inke saath sabse ahem atma ka sthan hai. इसीलिए मेरे गुरु बृहत्त्रयी रत्न वैद्यराज आत्माराम दातार शास्त्री को प्रणाम करने के बाद मैं आपसे कुछ जो मैंने सीखा उसमें से जो मुझे समझ में आया वो आपके सामने का प्रयास करना चाहता हूं। इट इज सेड इन भगवद गीता, सीदन्ति मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति वेभतुश्च शरीरे रोम हर्षश्च जायते, ऐसी स्थिति पार्थ की हुई थी। इतने बड़े लोगों के सामने, इतने बड़े स्टूडेंट्स के सामने जो आयुर्वेद के तथा कथित ज्ञाता है उनको मैंने कुछ संबोधन करना, ये बड़ी जिम्मेवारी मुझे लग रही है। और जैसे कुरुक्षेत्र में पार्थ की स्थिति हुई थी वैसी स्थिति मेरी हुई है।
पार्थ को बोध करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण माधव जी आए थे। आज के हमारे इन पीढ़ियों को आयुर्वेद की दिशा देने वाले प्रख्यात आयुर्वेद तज्ञ माधव जी वैद्य चुड़ामणि, विद्यार्थी मित्र माधव जी कोल्हटकर सर, जिनसे मैंने कुछ आयुर्वेद की सीख ली, उनको और मेरे गुरुजी दाता शास्त्री को याद करते हुए, उन्हें अपने हृदय पे बिठाते हुए आप सबको शुक्रिया धन्यवाद देते हुए आज का ये मेरा विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। द क्वेस्ट, फोरमोस्ट क्वेस्ट, हर एक के मन में आने वाला सवाल, हु एम आई, हाउ एम आई, आई कम फ्रॉम वेयर, एंड देन मैं क्यों हूं, कैसा हूं, मेरा हृदय क्या कहता है, इसका उत्तर मिलता है जब हमें पता चलता है हृदय हरति यच्छति याम्यति, इनको मिलाकर हृदय इसको नाम दे दिया, ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, बट इट इज नॉट ओनली द ऑर्गन, इट्स अ सीट ऑफ फीलिंग्स इमोशंस सेंसेशंस, इट्स नॉट ओनली द सीट ऑफ इमोशंस, इट्स अ सीट इंटेलिजेंस सोल, द हार्ट इज द सेंटर ऑफ इसेंस और द थिंग्स डियरेस्ट एंड मोस्ट सीक्रेट थिंग्स इन द माइंड, गुरु मम हृदय सद्गुरु, एंड हेंस इट इज अ प्लेस फॉर ट्रू प्यूरेस्ट एंड डिवाइन थिंग्स, सो इट बिकम्स द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी which is called as koshthang, which is named accordingly for marma, chetanadhishthana bhutam, and one of the dasha pranayatan is hruday. My friends, you are well learned audience, and I am not going to teach you sharira because you know better than me. Yavantau loke tavantau dehe. This was the first stitch given by Vaidyaraj Data Shastri to me, that he, whenever he was talking, he used to say, Pindite Brahmandi, jo log mein hai, waise hi deha mein hona hai, hota hai. Pioneer of Panchabhautika Chikitsa, unhone keh diya tha, Panchabhuta Atma ke dehi. Isiliye ahar bhi panchabhautika hai, jisse uska poshan hota hai, bharan hota hai, uchharjan hota hai, deha ka dharan hota hai. Isiliye पांचभौतिक चिकित्सा की नींव उन्होंने रखी थी, और उन्हीं को उनके फुटस्टेप पर हम पैदल चलना चाहते हैं। गुरुजी आपको प्रणाम। जब हम कहते हैं पंच महाभूत, द फर्स्ट आकाश महाभूत, जिसमें मृदु लघु सूक्ष्म श्लक्ष्ण ये प्रधान गुण दिखाई देते हैं, इनमें से हृदय में ये सभी गुण आपको दिखाई देंगे। जैसे हम कहेंगे कि वायु की शीतता कम हो जाने से हृदय को अवसाद हो सकता है, रुक्ष होने से तकलीफ हो सकती है, चलगुण चलने से हृदय की गति बढ़ जाती है, खर विशद ये वायु के गुणों से हृदय की प्राकृत गति बिगड़ जाती है, प्राकृत स्थिति बिगड़ती है। तेज महाभूत का उष्ण और तीक्ष्ण ये गुण आपको ध्यान में रखना होगा। जब जब हम कहते हैं कि जल महाभूत की द्रवता सरता स्निग्धता मंद और पिछिल, ये गुणों को हमें हमेशा सामने रखने चाहिए। कितनी बार कहते भी हैं हृदय द्रवित हो गया, हृदय का स्निग्धत्व अवश्य होना चाहिए, मंद रुगति चल गति, इसमें हृदय की अपनी प्राकृत गतियां बिगड़ जा सकती हैं। पृथ्वी की स्थिरता स्थूलता घनता गुरुता उसकी कठिन प्रकृति और सांद्रत्व, ये हृदय की प्राकृत स्थिति संभालने के लिए कारण है। इसीलिए शरीर में जो भी पंच महाभूतों के गुण है उसका हृदय से पूरा, जिसे हम आयुत सिद्ध संबंध कह सकते हैं, ऐसा संबंध होता है। जब हृदय की बात आती है तब हमें ये भूलना नहीं चाहिए, शोणित कफ प्रसादजम हृदयम, शोणित रक्त कफ इसका प्रसाद रूप है
जिससे हृदय बनता है। शरीर में जितने धातु हैं उसमें से सबसे अहम पहला वाला रस धातु है। रसोपि श्लेष्मवत, ये भी कहावत आपको पता है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, इन सभियों का हृदय का अपना अपना संबंध होता है। आगे आगे मैं इसमें अपना विचार रखना चाहता हूं। जब हम आत्मगुण की बात करते हैं तो सबसे पहले होती है बुद्धि। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में जहां हम प्रकृति और पुरुष का विचार करते हैं उसके बाद महत्तत्व बुद्धि आती है, उसके बाद अहंकार आता है। हमारे शरीर को जो स्रोतोमयम ही पुरुषा कहते हैं, ख आकाश है, उसमें सुख जो अनुकूल वेदनियम है उसके लिए इच्छा होती है, जो प्रतिकूल वेदना होती है उसे हम दुख कहते हैं, उसके लिए द्वेष होता है। और आत्मगुणों में जो छह गुण बताए हैं उसमें बुद्धि के साथ सुख इच्छा दुख द्वेष के लिए प्रयत्न किया जाता है। ये ध्यान में रखे। अहंकार, अभिमान, सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुणों का है। सात्विक अहंकार से दश इंद्रिय और अकरहवा मन, रजोगुण की प्रेरणा से ये कार्य होता है। और तमोगुण प्रेरणा से अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, जो तन्मात्रा महाभूतों को जन्म देती है। महाभूतों की अपने अपने मिश्रण से पांचभौतिक सृष्टि उत्पत्ति होती है, और पांचभौतिक सृष्टि जैसे निसर्ग में होती है वैसे अपने शरीर में होती है। हमारा हृदय भी गर्भावस्था से पंचभौतिक घटनाओं से बना हुआ होता है। सात्विक, राजस, तामस, अहंकार से प्रेरणा लेकर तन्मात्राओं से ये शरीर बनता है। वो कैसे बनता है? शरीर में युगपत हृदय की निर्मिति मानी है, सब इंद्रियों की निर्मिति युगपत मानी जाती है। आजकल जब हम आधुनिक विज्ञान से सोनोग्राफी कर मैंने कर देखते हैं तो पहले ही के बाद छठे वीक के आगे कार्डियक एक्टिविटीज दिखाई दे जाती हैं। आयुर्वेद मानता है तीसरे महीने के बाद उसकी अभिव्यक्तता होती है, जो परिपूर्णत्व चतुर्थ मास में आती है। शरीर में पुंडरीकेण सदृशम हृदयम स्यात् अधोमुखम जागृत तद् विकसति स्वपतश्च निमिलति, ये स्थिति चतुर्थ मास में अभिव्यक्त होती है। ये अवयव मातृज है, मृदु है। शरीर की निर्मिति, हृदय की निर्मिति मातृज कही गई है। ये ना भूले कि रसज भाव से हृदय की निर्मिति, अभिव्यक्ति, उसका विकास, उसका पोषण, उसका भरण, उसकी परिपूर्णत्व, ये सब रसज भावों से होता है। सत्वज, सात्म्यज, आत्मज, कुलज, ये भाव तो होते ही हैं, मातृज भाव उसमें प्रधान माना गया है। जब हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय, मैं शरीर रचना आपको नहीं कहने वाला, लेकिन आपको ये मन में रखना जरूरी है कि शरीर जिसमें आत्मा संयुक्त है, हृदय के चार भाग माने गए चतुर्दिशाओं के, ऊर्ध्व, अध, दक्षिण, वाम, चारों का अपना अपना रोल है। आलिंद दो हैं, निलय दो हैं, दक्षिण आलिंद, दक्षिण निलय, वाम आलिंद, वाम निलय। रक्त की उत्पत्ति जब होती है, जब हम कहते हैं शरीर में अपने अपने भावों से उपपत्ति होते वक्त एक एक करके युगपत अवयवों की निर्मिति होती है। जैसे प्रथम मासे कललम जायते बुद्बुद अवस्था, तृतीय मासे पंचपीडका भवति, चतुर्थ मासे हृदय, उस समय आकाश अपना व्यूहन कार्य दिखाई देता है, अप्रतिहत तत्व होता है और उसमें आकार आना शुरू होता है। पृथ्वी संवहनन करती है, जल उसको क्लेदन करती है, आपः क्लेदयन्ति। तेज का परिणमन इंपॉर्टेंट होता है, जो परिणमन करता है, परिवर्तन करता है, भावों को बदल देता है। मातृज आने वाले रस से शरीर के भावों में उसको भर देता है, वायु उसका व्यूहन करता है, विभाजन करता है और शरीर में डिफरेंट स्रोतस बनते रहते हैं। महास्रोतस प्राणवह
रसव, रक्त और बाकी सब सप्त धातु त्रिदोषों को साथ रखते हुए ये स्रोतस जब बनते हैं तो ये एक आकाश विभाजित हो जाता है। मस्तिष्क हृदय अलग होता है, हृदय जिसे हम उरस्थ हृदय कहते हैं, मैं उसकी स्थान चर्चा ये आपके सामने नहीं करूंगा, आप सब ज्ञाता है। लेकिन एक बात कहना मुझे जरूर पड़ेगा, अग्नि के स्थान पर जहां अग्नि का अपना स्वयं का कार्य दिखाई देता है उस समय हृदय, मस्तिष्क हृदय और आंत्र के ग्रहणी अवयवों को ध्यान में रखना जरूरी है। दातार शास्त्री ने जिस कारण उन्हें बृहत्त्रयी रत्न पुरस्कार दिया गया वो अग्नि संस्था सबसे अहम मानी। वैद्यराज दातार शास्त्री कहते थे कि अग्नि संस्था के जो अवयव है, जो कोष्ठांग भी है, हृदय उसमें है, लीहा शोणित के लिए निर्मित है और शोणित से निर्मित है, वैसे ही उत्सर्जन कार्य में वृक्क का अपना अपना भाग होता है। ये सब ग्रहणी अग्नि, इसको ध्यान रखते हुए कभी कभार हम सोचते हैं एक डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन लेना है तो हमारा दिमाग चलता है। द पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ ब्रेन हेल्प्स, और उसे हम कहते हैं इट इज सपोज टू बी द लॉजिकल थिंकिंग जो ब्रेन करता है, जो मस्तिष्क हृदय अपना अपना निर्णय करता है। उरस्थ हृदय जो मन का स्थान है, जो आत्मा का स्थान है, जहां हमारा अहंकार है, सत्व रजतमा स्थान है, वहां इमोशंस हैं, भावनाओं का स्थान है, तो भावनिक निर्णय हमारा हृदय करता है। और आखिरी, व्हेनेवर वी आर इन डिफिकल्टी वी से व्हाट इज योर गट फीलिंग, व्हाट इज द डिसीजन ऑफ योर गट। इसे ध्यान रखते हुए, ग्रहणिस्थ अग्नि को ध्यान रखते हुए हमें निर्णय करने के लिए जैसे मस्तिष्क हृदय की जरूरत होती है, जैसे ग्रहणी की जरूरत होती है, तो उरस्थ हृदय अनेक भावनिक निर्णय करने के लिए अहम रहता है और ये शरीर की शारीर स्थिति बताता है। हृदय सीरा मर्म है, चार अंगुल है, सद्य प्राण हर है, त्रिमर्मी अध्याय में उसका महत्व बताया गया है, इसे मैं दोहराना नहीं चाहता। वात ये जो दोष है, इसकी प्राण, व्यान, उदान, इनका संबंध हृदय से दिखाई भी देता है। प्राण हृदयस्थ है, व्यान व्यानो रुधिर स्थिता, सर्व शरीर में हृदय में आया हुआ जो रस रक्त संवहन की प्रक्रिया है उसे व्यान निभाता है, लेकिन प्राण को ऊर्ध्व दिशा मिलने के लिए उदान की गति कारण होती है। समान वायु कोष्ठे चरति सर्वतः, ऐसा होते हुए भी हृदय में भी स्थित है और वहां आकर शरीर में फुफ्फुस अपने यहां से अशुद्ध और शुद्ध रक्त हृदय की ओर भेजने का कार्य करता है। उसी समय अपान वायु की गति भी प्राणापान गति समान रखने के लिए, अव्याहत रखने के लिए कारण संभव होता है। यदि इसमें कोई गड़बड़ हो गई, इसमें कोई खोट आ गई, यदि कोई तकलीफ हो गई तो व्याधि उत्पत्ति होती है। यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधि तत्रोप जायते, अपान की गति बिगड़ने से अवष्टम्ब हो सकता है। तत्र अधो विहतो अनिलः प्राणो ही उदानानुगतः, या तो अपान उसको ऊपर लेके आता है और यदि वो अपने हृदय पर जाकर गिरा तो वहां हृदयावसाद या हृदयाभिघात हो सकता है। ये मस्तिष्क हृदय पर जाकर गिरा, वायु की गति वहां जाकर जोर से आ गई तो शायद मस्तिष्क के हृदय का अभिघात होता है, इसे हम मर्माभिघात भी कह सकते हैं। पांचों वायु के साथ और पंच प्राणों के साथ पंच उपप्राण भी कह दिए हैं, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। इसमें धनंजय नाम का जो उपप्राण है उसका कार्य देह के आत्मा ने अपना स्थान छोड़ने के बाद धनंजय वायु वहां कुछ देर के लिए तिष्ठति, स्थिर होकर उसकी रक्षा करता है और उसी वक्त
यदि कोई अच्छी चिकित्सा मिल गई या तो उसको फिर प्रीणन हो गया, उसको गति मिल गई, तो फिर जीवित कार्य शुरू हो सकता है। कई संतों ने किसी को मरे हुए फिर जीवन दान दे दिया, ऐसे कह जाता है। लोगों को ये जादू लगती है। मेरे हिसाब से जब तक धनंजय शरीर में है, धनंजय वायु का स्थान हृदय में है, तब तक यदि उन्हें प्रेरणा दी गई, उन्हें चेतना दी गई, उन्हें उत्तेजना दी गई, तो ये वापिस जिंदगी दे सकता है। और हमारे संतों को ये पूरी ज्ञात थी प्रक्रिया, और उन्होंने उसी का फायदा उठाया था। संत ज्ञानेश्वर ने हैबर सच्चिदानंद बाबा को या तो रामदास स्वामी ने उद्धव स्वामी के पिताजी को ऐसा ही जीवन दान दिया है, ये हमें सभी को ज्ञात है। पित्त में साधकम हृदगतम पित्तम, लेकिन उसमें पाचक रंजक पित्त का कार्य अहम होता है। पाचक पित्त जो हृदय को अपने अग्नि के साथ काम करने के लिए मदद करता है। यकृतस्थ पाचक पित्त पांचों पित्तों को संभलता है। रंजक पित्त उसका रंग निश्चित करता है। ये सब कार्य अवलंबक कफ उसको स्थिरत्व देता है। हृदय में इतनी सभी हलचले चलती रहती हैं। मां में बच्चा जन्म लेने के पहले चतुर्थ मास से जो हृदय की गति शुरू हो जाती है, जो अव्याहत चलती रहती हैं, वो अपने आखिरी सांस तक, आखिरी जीवित क्षण तक ये हृदय चलता रहता है। और हर हमेशा चलने वाला अपना ये हृदय शरीर को कितना भारी काम करना पड़ता है, और ये अव्याहत कार्य चलने के लिए अवलंबक कफ उसको स्थिरत्व देता है। हृदय के स्थान में अभ्यंतर स्थिति में जहां कपाटिका होती है, जिसे हम बोथ लिफलेट्स कहते हैं, उसको ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स कहते हैं, उसकी स्थान पर जो संधि है उसको रखने के लिए, अच्छी कार्य चालू रखने के लिए श्लेषक कफ की कार्य ध्यान में रखना जरूरी है। सप्त धातुओं में रस धातु तो रसज भाव है, रस के कारण रस रक्त संवहन भी होता है, रस के कारण रसोपी श्लेष्मवत और शोणित कफ प्रसादज भाव से हृदय की निर्मिति मानी गई है। शरीर इतना सतत चलने वाला वायु का कार्य संभलने के लिए, रुक्षता न आने के लिए ये कफ प्रधान या कफ के गुणों के सदृश होने वाला रस धातु अपना प्रीणन कार्य वहां कर देता है। तर्पण होता है, संतर्पण से ही कार्य चलता रहता है। रक्त, खुद रक्त ही इसके लिए आम है। रक्त की निर्मिति हृदय में नहीं होती, लेकिन रस रक्त विक्षेपण का व्यान वायु का कार्य शरीर को हमेशा के लिए कार्यरत रखता है। मांस घटित अवयव पार्थिव, जिससे शरीर के हृदय के आकार को निश्चिति हो जाती है। चार भाग होते हैं, आलिंद, निलय, दक्षिण, वाम, ये मैंने कह दिया। उसमें से दक्षिण भाग में फुफ्फुसों से अशुद्ध रक्त जब आता है, वो निलय में जाता है। शरीर के सभी भागों से आया हुआ रक्त भाग दक्षिण निलय से फुफ्फुस की तरफ भेजा जाता है। उसमें कोई अवसर नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। फ्री मूवमेंट, जिसे आकाश कहते हैं, अप्रतिहतत्व है। इसीलिए दक्षिण निलय की जो भित्ति है वो मृदु श्लक्ष्ण ऐसे होती है, सूक्ष्म रहती है। उससे तकलीफ नहीं होती, ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। लेकिन वाम निलय से शरीर के सर्व दिशाओं में ये रक्त पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जब तक रक्त वहां आखिरी जहां भी सेल है, जहां भी पेशी है, वहां तक जाना है और वहां से हृदय तक वापिस भी आना है, उसे इतनी गति प्राप्त करनी होती है, तो उसके लिए वहां का दाब प्रेशर ज्यादा होने के लिए वहां की भित्तियां थोड़ी ज्यादा स्थिर, ज्यादा स्थूल ऐसे दिखाई देती है। वहां पार्थिव भाग ज्यादा होता है। जहां चार भागों को जोड़ने वाली
जो वाल्व्स है, जो वॉल है, जो भित्ति है, उसको स्नायु, सीरा, कंडरा ये काम करते हैं, कार्डियक मसल्स, कार्डियक पैपिलरी मसल्स एंड अदर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हृदय के जो भी कार्डियक मसल्स हैं, उनकी ताकत पर अपना रस रक्त विक्षेपण चलता रहता है। सीरा मृदु पाक से बनती हैं, कंडरा ज्यादा स्थिर और ताकतवान होती हैं और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसका पाक सीराओं से ज्यादा होना चाहिए। जब सीरा मर्म हृदय कह दिया है, चार अंगुल इसकी मात्रा कह दी है, सद्य प्राण है, मैं इनके वहां से होने वाली व्याधि इसके बारे में नहीं बताऊंगा जो आपको सबको ज्ञात है। सप्त धातु संबंधों के साथ त्रिमल आपने देखा होगा, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, रोम हर्षश्च जायते, स्वेद भवन आ जाता है, हृदय की अवसाद या हृदयाभिघात होने से स्वेद पर परिणाम होता है, स्वेद की निर्मिति क्लेद की तरह है, ये मल हृदय से संबंध रखता है। मूत्र प्रवृत्ति अच्छी तरह से न होने से उसके वाटर रिटेंशन, जिसे हम आजकल कहते हैं, उससे हृदय के ऊपर वॉल्यूम बढ़ने के कारण, द्रव भाग ज्यादा होने के कारण ज्यादा दबाव आ जाता है, ज्यादा काम करना पड़ता है, प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, उस समय हृदय की तकलीफें बढ़ती हैं, तो मूत्र का भी सही मात्रे में वहन होना जरूरी होता है। पुरुष अवष्टम्भ होता है, पुरुष वायु रंत्राणी सशब्दो वेष्टयनिव, उससे रुत पीड़ा होती है, ये आपको ग्रंथ ने बताया है, सबकी को ये पता है कि पुरुष अवरोध होने से, अपान की गति रुक जाने से हृदय को पीड़ा हो जाती है। यानी के ये सब त्रिमल आपके आपके स्वगुणों से यदि चलते रहें तो हृदय स्थिर रहता है, हृदय की गति प्राकृत रहती है, हृदय का अपना कार्य अच्छी तरह भली भांति चलता रहता है, उसमें कोई भी बदलाव आ गया तो शरीर का अपना अपना चलना आसान नहीं होता। आपको पता है हृदय का अहम प्राणवह और रसवह स्रोतस का मूल स्थान बताया गया, दशम च धमन्या, दश धमन्या आप सभी को पता है, ऊर्ध्वम अधम और सर्व शरीर पर तिर्यक गत होकर रस रक्त विक्षेपण करने वाला व्यान वायु इन्हीं स्रोतों से शरीर का रक्षण करता है रहता। साधक पित्त, साधकम रुद्गतम पित्तम, उसका जो अहम कार्य है उसमें शौर्य क्रोध ये दोनों उष्ण तीक्ष्ण के गुण दिखाई देते हैं, हर्ष भय इससे साधक पित्त बिगड़ने से तकलीफ होती है, मोह लोभ, हर्ष और भय का वायु से संबंध ज्यादा रहता है, मोह लोभ कृपणता मंदत्व ये सब कफ प्रधानता के हैं, मानस में तमो प्रधान, मत्सर असूया रजोगुण प्रधान, लोभ ये सब गुण आते हैं, तो सत्व रज तम वायु पित्त कफ इन तीनों का साधक पित्त पर जो जो परिणाम आता है तो ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जब वो प्रसाद रूप रहता है, जैसे रस और कफ प्रसाद रूप हो तो अच्छा साधक पित्त बनता है, साधकम रुद्गतम पित्तम, तो वो रक्त का अपने शरीर का अच्छा तोल संभालता है, और यदि वो वैसे ना हो तो दुख और शोक से अयथार्थ ज्ञान हो जाता है। आपको लगेगा कि दुख और शोक में कुछ फर्क है या नहीं, उसमें फर्क है। जब हम कहते हैं दुख माने ग्रीफ, शोक यानी ग्रीफ, एक्चुअली इट इज समथिंग डिफरेंट। जब हमें दुख होता है तो दुख प्रतिकूल वेदना होती है जो शरीर को होती है, जो मन को होती है, हम ऐसे कहते हैं कि ये मेरे दिल को दुखा दिया, दर्द दे दिया, दिल मत दुखाना, तो ये जो भी है ये दुख है, लेकिन दुख शरीर से दूर होता है और शोक जो होता है वो शरीर के अंदर होता है,
हम दुख को भूल सकते हैं लोग, लेकिन शोक को भूलने के लिए या शोक के होने से वात प्रकोप को संभलते हुए ज्यादा ताकत लगती है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा दवाएं लगती हैं। शोकज व्याधि जो होते हैं उसका असर लंबे दूर तक चलता हुआ दिखाई देता है, उसकी चिकित्सा बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। उस समय जिसे हम तपस्विनी कहते हैं, ऐसी जटामासी जैसी वनस्पति इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है, न कि शंख पुष्पी। यदि मुझे दुख हो गया, किसी का दुख देखकर मुझे कुछ दर्द हो गया, तो सारस्वत अरिष्ट काम कर सकता है। किसी और दवाओं से मैं अपना दुख भूलने की कोशिश करता हूं, लेकिन शोक भूलने के लिए, शोक को जीतने के लिए ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। उस समय अभ्रक जैसी भस्म हमें काम करती है। संतर्पणत्व अभ्रक जो वैद्यराज दाता शास्त्री की खासियत थी, स्पेशलिटी थी, यूनिकनेस था, उससे शरीर के अंदर शोकज व्याधि होते हुए, रुद्र विकार होते हुए हमें उसका वापर करना जरूर होता है। यदि दुख हो, शोक हो, तो हमारा मन स्थिर नहीं होता, हमारा चित्त अपना काम नहीं करता और हमें अयथार्थ ज्ञान होता है। जो ज्ञान प्राप्त करना है वो यथार्थ ज्ञान हो, तो हम आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रिया विषयेण तत्ज्ञानम्। ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारा आत्मा हमें संवेदना देता है कि क्या कार्य प्रतिक्षिप्त होना चाहिए, प्रतिक्षिप्त क्रिया कैसी होनी चाहिए, उसका क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। यदि हमें यथार्थ ज्ञान न हो तो हमारी प्रतिक्रिया भी अयथार्थ हो सकती है। इससे क्या हो सकता है, तो हमें सबसे पहले वी गेट कंफ्यूजन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस, एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस के साथ आती है हमारी डायलेमा, हमारा ईगो, अहंकार जिसे हम कहते हैं। कभी कभार हमारा गिल्ट हमें तकलीफ देता है, जो हमारे हृदय विकार के व्याधियों को कारण हो सकता है। निग्लिजेंस, जैसे हम कहते हैं प्रज्ञापराध, जिससे हृदय के ऊपर बहुत ढेर सारा भार आ जाता है और उसके कारण हृदयावसाद होकर व्याधि हो सकता है। आलस्य, लेजीनेस, नर्वसनेस, निगेटिवनेस, पेसिमिस्टिक वीज, ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज लो कॉन्फिडेंस, इररिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम हमारा अपना कार्य नहीं कर सकते। ज्ञानेश्वर महाराज ने कह दिया, अगा जयाचे विहित ते ईश्वराचे मनोगत केलिया निभ्रंत सापड़ीची। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसे सही तरह निभाना, योग कर्मसु कौशलम, ऐसे करने से ही अपना हृदय प्राकृत रह सकता है। और यदि आपको ये भरोसा है कि मेरा कार्य मैं सही तरह से निभा रहा हूं, तो आपका आत्मविश्वास, आत्मविश्वास जो हृदय के स्थान पे होता है, वही काम कर देता है। यदि ऐसे ना हो तो शरीर बहुत थकित होता है, वेपथु फटिग जिसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वेपथुश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते, ऐसे पार्थ ने कह दिया था। हृदय, उसकी परीक्षा कैसे की जाए, हृदय परीक्षण। आपको मालूम है मैं अनात्मी, आत्मा का विचार छोड़कर विचार नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक विचार करता हूं। तो हृदय का परीक्षण करते समय पंच महाभूतों को ध्यान में रखना चाहिए। हृदय की अपनी एक शब्द है, उसकी गति है, उसकी लय है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अमर कोश में वस्त्र पल्लव, जब हमारा कपड़ा होता है, उसे चूरने से जो आवाज आती है उसे मर्मरिका कह दिया है। तो हृदय की जो गति है, उसकी जो मूवमेंट होती है, जो गति प्राप्त होती है, उससे जो आवाज आता है, शब्द बनता है, उसे ही आजकल के आधुनिक वैद्य मर्मर कहते हैं। ये शब्द परीक्षण हमें करना चाहिए। हृदय की लगातार चलती हुई गति बढ़ गई, संत हो गई, गति में कुछ विक्षेप है, कोई बीच में रुक जाता है, पहले कोई कपाटिका का आवाज आ जाता है, ये सब देखना चाहिए। शब्द के बाद स्पर्श, रुद स्पंद अपने हाथों को भी लगता है, उसका स्पंदन न कि केवल आंखों से देखना चाहिए, स्पर्श से
हमें जानना भी चाहिए, ऑस्कल्टेशन भी करना चाहिए। उसका रूप कभी कभार रुचपंद दृश्य होते हैं अपने शरीर के ऊपर, जहां सरफेस एनाटॉमी कहते हैं वहां लेफ्ट वेंट्रिकुलर के जगह पे रुचपंद दृश्य होना ये अच्छी चीज नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है, इतना तो अब भी ध्यान में रखिएगा। जब हम कहते हैं रस रस परीक्षण, यानी कि हृदय को चटकर देखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रस हृदय को प्रिय है, प्रीणन करने वाले है, उसमें सबसे पहला अम्ल धर्म, अम्ल रस प्रधान और मधुर रस बता दिया है, और कषाय रस उसकी स्थिरता करती है। गंध, ये रक्त का विष गंध आपको समझ में आ जाएगा। पसीना छूटता है, हम तो कहते हैं किसी को बोलते समय यदि किसी को कह दिया गया कि आपको 2000 लोगों के सामने कहना है, हमारे तो पसीने छूट गए, हृदय की गति बढ़ गई। इसे हमें पता चलता है कि शरीर के वेबकैम, कैन यू सी दैट, हेलो कैन यू सी सर, पीपीटी दिख रही है, आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ, चलेगा, इतना ही है, मेरा वीडियो नहीं दिखा, आपका वीडियो बंद हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, कैन यू सी द पीपीटी? यस सर, नाउ बोथ। वात के पेपथु स्तंभ, प्रमोह, शून्यता, खिन्नता, वेदना, ये लक्षण बता दिए हैं। पित्त के कारण दाह है, पित्तास्यता आती है, अम्लोद्गार है, अम्ल पित्त, तृष्णा, भ्रम, स्वेद, ये सभी लक्षण आपको ज्ञात है। कफ का स्तंभ, देखिए वात का स्तंभ गतिरोध है और कफ का स्तंभ रुद्ध गति रुकने से है, मंद होने से है, पृथ्वी की स्थिरता, घनता, गुरुता उसको कारण है। गुरुता, गौरव, आलस्य, तंद्रा, ग्लानी, अरुचि, शिरशूल, ये सब लक्षण हैं। आपने सुना होगा पेशेंट भी आपके सामने आकर कहते हैं, हृदय के ऊपर कोई समझ लो ऐसे कोई कि कोई अश्म रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, दिल के ऊपर पत्थर रख कर हम कुछ कर रहे हैं, ये कफ विकृति का द्योतक है। ये सब करते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शरीर में, जैसे मैंने सत्वादि इंद्रिय को बता दिया, सब मन को बता दिया, मन को बता दिया, इंद्रियों को एकादश, बोथ सेंस ऑर्गन एज वेल एज द ऑर्गेनिक फंक्शनल ऑर्गन जिसे कहते हैं उभयात्मक मन, जो काम करता है वो अपने हृदय से होता है। लेकिन अहंकार जो सबसे पहले है, यदि आपको प्राकृत ज्ञान प्राप्त करना है तो आपके इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को अहंकार की सीढ़ियां चढ़कर, अहंकार का सोपान पार करके बुद्धि तक जाना चाहिए, तब आपकी महत्तत्व बुद्धि आपको सही 80 जो यथार्थ ज्ञान है वो दे सकता है। अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार केवल ईगो है। अहंकार की जगह कहाँ है? आप में से किसी को पता हो तो आप जरूर बताइएगा। जो मुझे लग रहा है, शरीर के अंदर जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो प्रकृति पुरुष के साथ महत्त्व बुद्धि के बाद अहंकार आता है। राजस अहंकार के कारण सात्विक अहंकार से, जैसे मैंने आपको कह दिया, इंद्रियों की निर्मिति होती है, और तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का, और पंच महाभूतों से पांच भौतिक देह, पांच भौतिक सृष्टि, पांच भौतिक आहार, पांच भौतिक चिकित्सा उत्पन्न होती है। वैसे हमारे शरीर में जब चेतना प्रवेश करती है, गति आ जाती है, पहला स्पंदन शुरू हो जाता है, तो वो है साइनो एट्रियल नोड, जहां से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी शुरू हो जाती है।
जहां हम कहते हैं ऐसे नोड से पहली वेव आती है तो उससे ये हृदय शुरू हो गया ऐसे ज्ञात होता है। तो ये ही सही जगह है जहां हमारा अहंकार होता है। इसीलिए जब हमें मेरा अपना मुझे ये सब कहना है तो हम यहाँ हाथ रख कहते हैं ये मेरा देश है, ये मेरा विचार है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा कर्तृत्व है। हम ऐसे नहीं कहते ये मेरा है, ये यहाँ मेरा है, ऐसे हम नहीं कहते। क्योंकि जहां ऐसे नोड से पहली स्पंदन आ जाती है, जहां चेतना जानी जाती है, वह हृदय का स्थान है। आपको मालूम होगा कि हृदय की गति प्राप्त होने के बाद, हृदय चलने के बाद शरीर में, मन में ढेर सारी भावनाएं आ जाती हैं, जिसे हम कन्फेशन कहते हैं, जिसे हम कंपैशन कहते हैं, जिसे हम हमारा कृतज्ञता व्यक्त करने का भाव होता है, हमारी जेलसी जब कहते हैं, मत्सर कहते हैं, ये सभी जगह यहाँ होती है और यहाँ से शुरू हो जाती है। चलो जाओ दो, जाने दो, पृथ्वी का कार्य है स्थिरता, वसुंधरा, मही, वो हमें अपने शरीर को स्थिरत्व प्राप्त कर देती है। बुद्धि जब सम अवस्था में होती है तो बुद्धि समम पश्यति, उससे ही योग कहते हैं। तो बुद्धि समम पश्यति यह अवस्था प्राप्त करने के लिए योग धारणा करना फायदेमंद होता है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अष्टांग योग में अपना अपना स्थान बताते समय प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि कह दी। और समाधि प्राप्त करने के लिए उस्तप आखिरी मोक्ष का वर्णन आयुर्वेद में नहीं आया, लेकिन प्राप्त तो वही करना है। मन स्थिर कर, मन करारे प्रसन्न, सर्व सिद्धि से कारण, ऐसे कह दिया है। स्थिति बहुत बिकट थी, पार्थ डायलेमा में था, द्विधा अवस्था में था, संभ्रमित था। तब ये हृदय से ते हृदय घाती ले, ऐसे कह दिया। माधव ने उनको अमृत पिलाया, वही अमृत हमें आयुर्वेद पिलाता है जो हमें अपने हृदय में जतन करना चाहिए। ये हृदय कुपी में आयुर्वेद का अमृत यदि हम जमा करके रखेंगे तो हमें अपने हृदय की प्राकृतता पता चलेगी। जब तक आपको प्राकृत पता नहीं चलता तब तक विकृति का द्योतक आपको पता नहीं होगा। और जब आपको व्याधि निदान करना है, देखिए रुद्र रोग इस नाम से एक रोग नहीं है, बहुत विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इसीलिए रुद्र रोग की चिकित्सा कैसी करनी है ये आप सुनेंगे, बहुत बड़े तपन कुमार जी आपको बताने वाले हैं। हृदय की जो भी व्याधि कह दी है उसका निदान वैद्यराज गुरुवर्य गाड़गे सर ने आपको बताया हुआ है। मैंने हृदय का रचना आपको बताने से इसीलिए रुक गया कि आप सब ज्ञाता है हृदय की स्थिति, और उसके ऊपर मेरी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रंथों में है वो कहना आसान है। जो मुझे लगा, जो मेरे गुरु ने मुझे हृदय में डाल दिया, ये हृदय से ते हृदय घाती ले, वैसे जो मैंने सुना, जो मुझे समझ में आया, वो अपने हाथों से अपने सामने रखने की कोशिश मैंने की। जैसे नायगरा का पानी बहता रहता है, लेकिन सब तो हम एक साथ अपने हाथ में नहीं ले सकते। जितना ज्ञान मुझे प्राप्त है वो थोड़ा ज्ञान मेरे हाथ में अंजुली भर जितना भी है, एक अंजली जितना पान है, वो आपको देना चाहता हूँ। हृदय इज अ प्लेस फॉर पर एंड अपर ओज, ये ओज आपको सबको मिले, आयुर्वेद की सर्व धातु सारता आपको मिले, आपको सब ज्ञात हो और आप यशस्वी वैद्य हो। इतना कहकर मैं मेरा ये संबोधन यहाँ रोकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। How can I stop the slides? Namo Namaha. Yes. Thank you very much to all of you. Thanks a lot. आपके सबने ये सुना होगा, आपकी प्रतिक्रिया मैं देख नहीं पाया,
लेकिन इतना ही कहता हूं, जो गुरु ने मुझे सिखाया उसमें से जितना मुझे समझ में आया उसमें से थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास मैंने किया है। धन्यवाद। नमो नमः गुरुवर्य, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन रहा। हृदय के मूल से, नाभि से आपने इस व्याख्यान का निवारण किया है। हृदय के बारे में, शरीर के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन शब्द ज्ञान होना और अर्थ ज्ञान होना, इसमें जो भेद है वो शायद जिन्होंने पूरी अपनी श्रोत्रेंद्रिया को हृदय में स्थित कर इस व्याख्यान को सुना है वो जरूर इस भेद को जान पाएंगे। आपने हृदय की उत्पत्ति से लेकर प्रकृति विकृति का विवरण बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरलता से सभी को मार्गदर्शन किया है। अहंकार का जो एक ऐसे नोड का आपने हमारे सामने दृष्टि रखी है और विचार के लिए प्रवर्तक किया है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। आपने कहा कि नायगरा फॉल है तो सभी तो ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते या नहीं दे सकते, लेकिन मैं कहूंगी कि जब हम गंगा दर्शन जाते हैं तो पूरी गंगा तो हमारे घर ले नहीं सकते, तो गंगा जल थोड़ा ही लेके आते हैं, लेकिन उस हर बिंदु में वो पूरी गंगा समाई रहती है। वैसे ही आपने बहुत कम समय में लेकिन बहुत बड़ी तादाद पर बहुत ही बड़ा ज्ञान हमें दिया है, उसके लिए मैं पुनः सभी वैद्यों द्वारा आपका अभिनंदन करती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ। पुनर्मिला महा धन्यवाद हा गुरुवर्य। Thank you.